हिमालयन पब्लिक स्कूल रिकांगपियो जिला किन्नौर का सुप्रसिद्ध सशैक्षणिक उन्नता अंग्रेजी माध्यम पर आधारित संस्थान है। कक्षा नर्सरी से जमा दो विज्ञान समकाय के लिए प्रवेश आरंभ हो चुका है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी कक्षाओं में आधुनिक निगरानी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर की आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सृष्टि नेगी ने 667 अंक लेकर पूरे किन्नौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वहीं शिवानी दीवान ने 651 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। अलीशा नेगी ने भी 644 अंक लेकर अपने स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया। छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बस की सुविधाएं भी उपलब्ध है। सत्र 2024 व 25 के लिए प्रवेश 20 फरवरी 2024 से 15 मार्च तक अग्रिम प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए अति शीघ्र संपर्क करें। दूरभाष नंबर है 8891970 7 8 7 0 1 8 0 5 7 5 5 7 0 1 8 9 3 6 6 0 6। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की काव्य संध्या में मैं सबसे पहले वसंत ऋतु के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वसंत ऋतु के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि अब ये ऋतु जो है वो खत्म हो रही है, और वसंत ऋतु के खत्म होते ही ग्रीष्म ऋतु की आहट शुरू हो जाएगी, और ग्रीष्म ऋतु में हमारा जो जीवन है उसकी जो रंगतें जो हैं वो बिल्कुल भिन्न हो जाएंगी। अब तक हम लोग ठंड की गोद में थे, ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम जब खत्म हुआ तो धीरे धीरे वसंत हमारे घर आंगन बाहर वो के संसार में उसका आगमन हुआ, और अब वसंत ऋतु जो है वो जा रहा है, खत्म हो रहा है वसंत। तो वसंत के बारे में, वसंत के जाने के बारे में मैंने जो कविता लिखी है उसे मैं सबसे पहले सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि चाहे जैसी भी कविताएं लिखता हूं मैं, लेकिन आप लोगों के लिए ही लिखता हूं। बहुत पहले कवि तुलसीदास ने ये कहा था अपनी काव्य रचना के बारे में कि मैं स्वांतः सुखाय, मतलब अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं कविताएं लिख रहा हूं, यानी कि भगवान की भक्ति में जो काव्य सृजन मैं कर रहा हूं तो उसका उद्देश्य जो है वो लोक कल्याण से भी पहले अंतःकरण का सुख, आत्मा का सुख है। तो वो भक्त थे, तुलसीदास जो है मूर्तः कवि के रूप में महान भक्त थे, और मैं मानता हूं कि मैं एक कवि के रूप में मैं भी भगवान का भक्त हूं, और सबके हृदय में स्वस्थ सुंदर संवेदनाओं अनुभूतियों का संचार कविता करती रहे, ये कविता से निरंतर मेरी कामना रहती है। तो आज की जो कविता है इसका शीर्षक है सागर तट। सागर की लहरें तट पर आकर ठहर जाती, सागर की लहरें तट पर आकर ठहर जाती, यहां यहां समुद्र को देखने सैलानी आते, यहां तट को देखने सैलानी आते,
अपना दिन वे, अपना दिन वे समुद्र के किनारे पेड़ों की छांव में बिताते, चट्टानों की ओट में वे, चट्टानों की ओट में वे बैठे रहते, मानो मानो वे कोई योगी बैरागी हों और सिद्धि की तलाश में तपस्यारत हों। सागर तट का यह नजारा, सागर तट का यह नजारा यहां आने वाले लोगों को खूब भाता, खूब भाता। आकाश की नीलिमा से यहां अक्सर समुद्र को निहारते सैलानी पूछते, लहरें दूर रास्तों में हवा से बातें करती, तट पर आकर, तट पर आकर उछालें क्यों भरती रहती हैं। धूप बारिश तूफान तूफान को देखती हुई लहरें धरती के पास आकर ठहर जाती हैं। आदमी समुद्र में इसके बारे में जानने के लिए तैरने क्यों नहीं जाता, आदमी इसके बारे में जानने के लिए समुद्र में तैरने क्यों नहीं जाता। सैलानियों को, सैलानियों को यह सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वे समुद्र से डरते, वे समुद्र से डरते, वे थोड़े उथले समुद्र के नीचे तो थोड़ा उतरते, लेकिन समुद्र का तट जहां गहरा है वहां ऊपर से ही वे समुद्र को निहारते और समुद्र की गहराई के बारे में सोचकर वे कांप जाते। समुद्र जिंदगी है, समुद्र जिंदगी है, समुद्र संसार है, समुद्र धरती है, समुद्र पर्यावरण है, समुद्र परिवेश है, समुद्र संसार है। इस संसार का प्यार अगर हमें मिलता तो हम संसार से प्यार करते, इस संसार में अगर हम खौफ का मंजर देखते तो फिर हम कोसों दूर अपने घर के आसपास की जगहों से भी रहा करते। हमें समुद्र अपने घर में रहने के लिए कहता और जाड़े के मौसम में, और जाड़े के मौसम में वह अपने तट पर बुलाता। वसंत का मौसम यहाँ बीत जाता, ग्रीष्म के मौसम में भी समुद्र, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे आदमी घूमने के लिए जाता। समुद्र अपना दिन, समुद्र अपना दिन अकेले बिताता, समुद्र अपना दिन अकेले बिताता, समुद्र अपना दिन अकेले बिताता। समुद्र जहाजों को आता जाता देखता और शोर मचाता रहता, और शोर मचाता रहता। दोस्तों, समुद्र के बहाने मैंने जीवन को, समाज को, परिवेश को, इन सबको मैंने जानने और समझने की जो कोशिश की है इस कविता में, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब प्रसंग जो हैं चिंतन की ओर उन्मुख करेंगे, कुछ सवालों के करीब लाएंगे। अक्सर सवालों से दूर होती जाती इस दुनिया में हमें सबसे पहले सवालों के आसपास में खुद को रखना है और तभी हम ठीक से तमाम बातों को समझ पाएंगे। समुद्र वाली कविता का थोड़ा सा हिस्सा जो है बचा हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसको भी मैं आपको पूरा मैं सुनाऊं। समुद्र अक्सर हंसता और आदमी को कहता, इंसान संसार में क्यों भटकता,
इंसान संसार में क्यों भटकता, समुद्र समुद्र अक्सर कहता, इंसान आकाश और पाताल की खाक छानता हुआ यहां आकर ठहरता, यहां पर आकर ठहरता, समुद्र सबके बारे में सोचता, समुद्र सबके बारे में सोचता, वह आकाश को देखता और इंसान से पूछता, और इंसान से पूछता कि बादल 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 समुद्र के ऊपर धरती के ऊपर क्यों बरसते हैं, वे कहां से आते हैं और वापस कहां लौट जाते हैं। हमारा मन समुद्र बन जाता, हमारा मन आकाश बन जाता, समुद्र इसके बारे में सबको रोज बताता, समुद्र इसके बारे में रोज सबको बताता। और दोस्तों, अब मैं जो अगली कविता आपको सुना रहा हूं, इस कविता का शीर्षक है दोस्ती। आज दोस्ती जो है वो सारी दुनिया को आपस में रिश्तों में बांध रही है, दो देशों के बीच दोस्ती, दो देशों के बीच शत्रुता, दो लोगों के बीच नफरत, दो लोगों के बीच प्रेम प्यार की कहानियां, औरतों और मर्दों के बीच दोस्ती के नए आयाम, और इन सब के साथ बदलती हुई जिंदगी की सारी बातें, यादगार दोस्ती, दोस्ती के नाम पर नफरत की सब सारी याद आती बातें, खामोशी फैल जाती, तो ये सब सारी बातें जो हैं दोस्ती को लेकर कही जाती हैं। तो मैंने जो कविता लिखी है, ये कविता एक बेहद छोटी सी कविता है और इसका नाम है, इसका शीर्षक है अंतरंग। दोस्ती में रोज प्रेम का, प्रेम प्यार का पैगाम लेकर विश्वास का भाव दस्तक दिया करता, विश्वास का भाव दस्तक दिया करता, दोस्ती अंतरंग रिश्तों का नाम होता, शादी के बाद दोस्ती को भूल जाना, यह हम सबका अक्सर बनता बहाना, दोस्ती करने इस तरह से फिर कभी किसी के पास मत जाना, दोस्ती करने इस तरह से फिर कभी किसी के पास मत जाना, दोस्ती में अपने गले का हार कभी भी किसी के सामने नहीं लुटाना, दोस्ती में अब किसी को अपने मन की बातें बिल्कुल भी नहीं बताना, दोस्ती में अपने मन की बातें अब किसी को कुछ भी बिल्कुल भी नहीं बताना, दोस्ती में अगर कुछ घटित हुआ हो, किसी ने कुछ भी अगर कहा हो, दिल दुखाया हो, तो उसे शराब पीकर नहीं, जहर पीकर भूल जाना, दोस्ती का जहर अगर तुम पीते रहोगे तो फिर सबको प्यार से कहोगे, ओ दोस्त तुमने क्यों मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुम्हें देखकर तो आज याद आया कि तुमने कहा था, तुमने सुना था, तुमसे बातें करो और सारी बातें कहो कि तुमने क्या देखा क्या जाना, शादी के बाद दोस्तों को भूल मत जाना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कविताएं आपको अच्छी लग रही होंगी, और एक कविता मैं और सुना रहा हूं आपको। ये कविता है मांडू। मांडू मध्य प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर शहर है, ऐतिहासिक शहर है। कहते हैं कि यहाँ पर मध्यकाल में जो मुस्लिम शासक थे, तो उन लोगों ने जंगलों और पहाड़ों से घिरी हुई इस घाटी में महल बनवाए, और यहाँ पर
उन्होंने जहाज महल बनवाया, आगे चल करके बाज बहादुर का मांडू पर कब्जा हो गया, तो वो भी वहां पर अपनी रानी इंदु का वो दीवाना बना रहा और उसने भी महल बनवाए। कविता का शीर्षक है मांडू। जंगलों से घिरा यह नगर पहाड़ियों की गोद में बसा, अब उजरा वीरान बना रहता, यहां यहां सुंदर झीलें खामोश बनी रहती, उनमें शिकारे नहीं विचरते, उनके घाट सूने बने रहते, मांडू के महलों में वीरानियत फैली हुई है, वसंत के मौसम में खामोश हो जाता, कभी सुंदरियों का बसेरा बना हुआ यह नगर, उनके पायल की झंकार, सांसों की सितकार, यह शहर अब वीरान बना हुआ है, मांडू के हरम, यहां तख्त ताज की दुनिया, गुलाम बने लोगों की कहानियां, समय इन सबको सुनाता और अजायब घर में देवी देवताओं की मूर्तियां हमें, हजारों साल पुरानी इस देश की सभ्यता संस्कृति धर्म अध्यात्म की कथाएं इन सबके करीब लाती हैं। मांडू बर्बाद हो उठा, भोग विलास में डूबे सुल्तानों बादशाहों की कहानी, मिट्टी में मिल गई जहाज महल के कंगूरों पर बैठी चिड़िया, शाम में उड़कर अपनी घोंसलों में चली जाती, मांडू में अब कुछ भी नहीं बचा है, आखिर हम किस कहानी को यहाँ आकर याद करते हैं और उसे रोज सहेजते रहते हैं, यहाँ के सूने खंडहरों को बचाते हुए, सबको उन्हें दिखाते हुए घर चले आते हैं लौटकर और सुकून से रहते हैं। मांडू में कुछ भी सुकून से अब नहीं बचा है, केवल किसी अजायब घर में थोड़ी सी इतिहास की चीजों को सबने वहां सहेजा है, इनमें हमारी स्मृतियां, हमारी कहानी, इतिहास की बयानी, ये सब दर्ज है। मांडू एक खुदगर्ज मरीज की तरह कई दरवाजों हवेलियों के भीतर बसा है, रोशनी में अंधेरे में डूबा हुआ है, रोशनी में अंधेरे में बिल्कुल डूबा हुआ है, मांडू की कहानी, मांडू की जबानी। और दोस्तों, एक कविता मैं भगवान के बारे में भी चाहता हूं आपको सुनाना। इस कविता का शीर्षक है हे ईश्वर, तुम्हारे ध्यान से जीवन सुख शांति से भर जाता, मनुष्य संघर्ष के पथ पर रोज आगे बढ़ता, शाम में घर चला आता, हे ईश्वर, सूरज सबके हृदय में दस्तक देता, सुख शांति का बीज जीवन में वह बोता, हे ईश्वर, सच्चे मन से कोई गर तुम्हें याद करता, हे ईश्वर, सच्चे मन से गर तुम्हें कोई याद करता, वह सबके साथ घर में प्रेम से रहता, तुमको मन की बात कहता, सागर के किनारे शरद का चांद सबको देखकर हंसता, हे ईश्वर, यह महिमा तुम्हारी, हिमालय से
हे ईश्वर यह महिमा तुम्हारी, हिमालय के नीचे गंगा बहती, हिमालय के नीचे गंगा बहती, सबके दुख दर्द को सुनती। हे ईश्वर हिमालय के नीचे गंगा बहती, सबके दुख दर्द को सुनती। इसका पावन किनारा, इसका पावन किनारा, यह जीवन हमारा तुमने रचा है, तुमने रचा है, तुमने रचा है, हे ईश्वर, हे ईश्वर। दोस्तों आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी, हे ईश्वर। और मैं अपनी दूसरी कविता आपको सुना रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है सुबह की धूप, सुबह की धूप वसंत के अंतिम पहर में, सुबह की धूप सबके मन को भा रही, मानो मानो घर से, घर से वह दफ्तर जाने के लिए निकली हो। वसंत की धूप पर, वसंत की धूप पर पैरों की नजर पड़ रही हो, वसंत की धूप पर हवा, हवा की नजर पड़ रही हो, वह देखकर हंस रही हो। सुबह धूप में, सुबह धूप में सारे लोगों ने पैरों को देखा, सुबह धूप में सारे लोगों ने पैरों को देखा, हवा जंगल की तरफ से बहती चली आई, सबने इसी पहर शहर को अपने पास देखा। यह रात दिन हमारे साथ रहता, कितना पुराना है यह शहर, कितने लोगों का बसेरा। सुबह की धूप में नाव नदी में बहती चली आ रही, शहर के बाहर धुंध अब मिट्टी चली जा रही। धूप की बहार खेतों में छाई है, धूप की बहार खेतों में छाई है। आज चिड़िया घोंसले से निकलकर उड़ती डालियों पर आई है, डालियों पर आई है, मानो वह कुछ कह रही हो, मानो वह आकाश को देख रही हो, और प्रकृति मुस्कुरा उठी हो, और प्रकृति मुस्कुरा उठी हो, और दोस्तों मेरी जो अंतिम कविता है, अंतिम कविता कह सकते हैं, या फिर हो सकता है मैं इसके बाद भी आपको कोई एक कविता मैं सुनाऊं। ये कविता है जिंदगी की जंग, भगवान के प्यारे तुम्हारे पास में आकर शाम में हंसते रहे तारे, जिंदगी की जंग तुम कभी नहीं हारे, जिंदगी की जंग तुम कभी नहीं हारे, हंसते रहे तारे, जो अकेले जीवन गुजारे मुसीबतों में वह किसी को क्यों पुकारे, मुसीबतों में वह किसी को क्यों पुकारे, रोज की झूठी तसल्लियों के सहारे देखकर ख्वाबों की जंजीरें वह अपनी मुसीबतों के चट्टान को तोड़ डाले, राह में जो खड़े थे बढ़ चले वह रोज आगे। दिवाली की रोशनी में उसे सब कुछ नजर आए। दोपहरी का वीरान मेला जो दो कदम आगे बढ़ाए। दोस्त आज
आज घर पर तुम याद आए दोस्त, आज घर पर तुम याद आए, आज दोस्त तुम याद आए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह कविता आपको अच्छी लगी होगी, और एक कविता मैं आपको और सुना रहा हूं। यह कविता है कार्तिक की धूप। कार्तिक का महीना आश्विन महीने के बाद आता है, और इसी महीने में हम लोग दशहरे का त्योहार मनाते हैं। जो गीत तुमने गाए शाम के तोरण द्वार, सूरज की झिलमिल हंसी में डूबते हरे भरे बाग बगीचे, धान गेहूं के खेत, कार्तिक की धूप। दोस्तों, गेहूं के खेत कार्तिक महीने में नहीं दिखाई देते हैं, गेहूं रबी फसल है। याद आती वसंत की आभा, सुनहरी जेठ की तपती दोपहरी, बारिश के मौसम में ठंडी बूंदों से रस भरी बारिश मूसलाधार, खिड़कियों पर धुआंधार छींटें, खिड़कियों पर धुआंधार छींटें, जो गीत तुमने गाए याद आते, याद आते। दोस्तों, ये सब नजारा है हमारी जिंदगी का, मौसम और प्रकृति की जो आवाजाही है, जो उठापटक है, प्रकृति का, प्रकृति की जो आहट है, उसकी जो भाव भंगिमाएं हैं। तो अपनी कविता में मैंने बिंबों के रूप में इन सबको सहेजा है, और कुछ बातें अपने मन की बातें मैंने कहने की चेष्टा की है। खिड़कियों पर आकर हवा हंसती, कहीं दूर कोई नदी बहती, पानी से भरी, हिलोरों से भरी रात की चुप बहती नदी, शाम में जिंदगी की राह में, शाम में जिंदगी की राह में, नदी का किनारा कोई डूबता उतराता, छोड़कर अकेला चला जाता, दूर सितारों के नगर में याद आता दिवाली का मेला। दोस्तों, अंतिम पंक्ति पर आप गौर करें, दूर सितारों के नगर में चला जाता डगर पर, छोड़कर कोई अकेला, दूर सितारों की डगर पर छोड़कर चला जाता कोई अकेला, दिवाली का मेला, दिवाली का मेला, दिवाली का मेला। दोस्तों, दिवाली हो या होली हो, हम इन सब त्योहारों को अपने दोस्तों के साथ ही मनाते हैं, लेकिन अब हम इन त्योहारों में अक्सर कभी कभी खुद को बेहद अकेला महसूस करते हैं, तो ये अकेलापन जो है वो हमारे जीवन से दूर हो जाए, और पर्व त्योहार जो है वो खुशियों को लेकर हमारे करीब आए। और अंतिम कविता है दोस्तों, इस कविता का शीर्षक है मौसम। नए मौसम की धूप आकाश में छिटकी, हवा सुबह घेर कर मन को चारों तरफ से कहती, यहाँ आकर पेड़ की डालियों पर धूप थोड़ी देर बैठी, मानो जाने से पहले हरियाली से उतरकर कुछ पल नदी के बीच बहती धार से कहती, इसी पहर बातचीत करना मुझे भाता, तुम्हारे इंतजार में संध्या में देखो उगा आज कोई तारा, हर के आंगन से गलियों में हवा आकर निकलती, चांदनी की छांव में सड़क के किसी मोड़ पर रात रानी महकती, सुबह हवा धान के खेतों से गुजरती, धूप उसे कहती, कार्तिक के महीने में तुम्हें 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 घर आने की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नया मौसम कार्तिक का मौसम है, नया मौसम वसंत का मौसम है, नया मौसम बरसात का मौसम है, और नए मौसम में नया मौसम ग्रीष्म का मौसम है, और हमें अपने जीवन को नए मौसम में नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। मौसम के बहाने
ऋतुओं के बहाने प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है। वह हमें जीवन के अलग अलग तरह के रंगों के बारे में बताती है। और मौसम बदल रहा है, ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में ही मैंने कहा है कि मौसम बदल रहा है। और मैं जाते जाते अपनी एक बहुत पुरानी कविता सुना रहा हूँ। यह कविता आजकल पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। मौसम का रंग बदल गया है, कुहासे के घेरे से निकलकर फिर से दिखने लगी है स्टेशन की इमारत, मस्जिद, तालाब और खजूर का पेड़। आज कुछ अलग ही रंगों की भाव परतों से भरी है यह सुबह। ख्याल कई रूपों को धरे, बीते दिनों की तरह काम काज में लग जाना चाहिए। बरामदे से सड़क पर उतरता हूँ, लेकिन कुछ करने की जगह ओस से भीगी घर की दीवारों को देखने लगता हूँ। यह नया मौसम है और बिल्कुल सुबह का समय है, बिल्कुल सुबह का समय है दोस्तों, बिल्कुल सुबह का समय है। वसंत, वसंत के जाने के बाद चैत महीने का आगमन होगा, फागुन के बाद चैत, और चैत चैत में बिल्कुल हरियाली जो है एक नई सुबह को लेकर सामने आएगी और हमें उसी हरियाली में अपने दिन बिताने हैं। नए उत्साह से, नई उमंग से खुद को परिपूर्ण बनाना होगा और ग्रीष्म का सामना करना होगा। जीवन की कठिनाइयों को, मुसीबतों को, परेशानियों को सबको नजरअंदाज कर करके हमें अपने रास्ते पर कदम रखना होगा। और इसी सब जीवन के प्रसंगों को लेकर मैंने जो कविताएं आपको सुनाई हैं, उम्मीद करता हूं आपको सब अच्छी लगी होंगी। फिर मिलेंगे और अगले कार्यक्रम में फिर नई कविताएं प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें, आपका मित्र राजीव कुमार झा। आप सबको